बच्चों, आप सब घर पर हो और बहुत अच्छे से होंगे। और अब तो आपके पास कॉपी किताबें भी आ गई होंगी। कक्षा 6 में भी आपने संस्कृत पढ़ा है, तो कक्षा 7 में। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब कक्षा 7 में सबसे पहले आपका पहला पाठ जो है, प्रथम पाठ जो है, वो है सुभाषितम या सुभाषितानी या सुंदर वचन, अच्छे वचन। आपको सबको पता है कि हमारे दैनिक व्यवहार में यदि हम सभी लोगों से बहुत अच्छे से प्यार से बातें करते हैं तो कोई भी हमारा काम कर देता है। और ये अच्छे वचन, सुंदर वचन हमारे व्यवहार में आ जाते हैं तो हमारा स्वभाव वैसे ही हो जाता है और हम बहुत आगे आगे जाते हैं। कोई भी हमको बहुत अच्छा बोलता है, तो अभी तो आप बच्चे हैं, अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे वचन सीखने हैं। आप MSc में पढ़ते हैं, आपको स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर संस्कृत में भी इतना सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि संस्कृत में भी जैसे हिंदी में हम अनमोल वचन बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना, तो संस्कृत में भी बहुत से अनमोल वचन हैं और बहुत सारे अच्छे वचन हैं जो कि केवल एक कहावत के रूप में नहीं है, वो प्रकृति से उसको मिलाकर सत्य आपको बताया गया है। सबसे पहले सुभाषितानी, यहाँ पर बहुत सारे सुभाषितानी, मतलब बहुत सारे अच्छे वचन हैं बहुवचन में, इसलिए इसको सुभाषितानी बोला गया है, अच्छे विचार या सुंदर वचन। पृथ्वीव्याम, पृथ्वीव्याम त्रीणी रत्नानी जल जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वीव्याम यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर त्रीणी तीन रत्नानी रत्न हैं, कौन कौन से, जल यानी पानी, अन्न अनाज, और सुभाषिता मैंने अपने अच्छे विचार या अच्छा बोलना या सुंदर वचन। अभी तो हम बता रहे थे कि बहुत सारे अच्छे विचार है, पर यहाँ तो पृथ्वी पर तीन ही बताए हैं, क्योंकि ये तीन बहुत, पृथ्वी पर जिसके बिना हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है, इसीलिए यहाँ पर जो बहुत बहुत अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है, इसलिए वो तीन रत्न यहाँ पर बताए हैं कि पृथ्वी पर, पृथ्वीव्याम यानी पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं। तीन रत्न कौन कौन से, जल पानी जिसके बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते, अन्नम, यहाँ पे म क्यों लगा है, क्योंकि संस्कृत में हमेशा उसको नपुंसक लिंग में म लगता है, तो जलम अन्नम सुभाषितम, पानी अनाज और सुंदर वचन। अब देखिए आगे, मूढ़ई, मूढ़ई यानी मूर्ख, मूढ़ई यानी मूर्ख जो बुद्धिमान नहीं होते। पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, पाषाण तो पता ही सुना ही है, सोशल स्टडी में पढ़ते हैं आप लोग, है ना, तो पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़े, मूढ़ई यानी मूर्ख लोग, मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को क्या करते हैं, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम देते हैं या रत्न को रत्न मान लेते हैं, रत्न क्या करते हैं उसको, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान लेते हैं, विधीयते यानी उसको अपने ऐसा समझ लेते हैं कि पाषाण के टुकड़े रत्न हैं। अब ये पाषाण के टुकड़े रत्न कैसे हुए, क्योंकि आपको पता है बहुत से बड़े बड़े लोग, जैसे मैंने हीरा पहना है, पन्ना पहना है ना, तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं को जो कि हमारे कोई काम की नहीं रहती हैं, उस वस्तुओं को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं, रत्न का नाम दे देते हैं और उसको मान लेते हैं कि ये रत्न है। जैसे हीरे जवाहरात आदि बहुत सारे लोग पहनते हैं, है ना, और जिसके बहुत से गहने भी बनते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो सब जरूरी नहीं है। हमारी पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न बहुत अति आवश्यक है, तो हमको पाषाण के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े जो चमकीले दिखते हैं, दिखने में बहुत चमकीले रहते हैं लेकिन वो पत्थर के टुकड़े रहते हैं, वो हमारे लिए रत्न नहीं है। हमारे लिए रत्न क्या है कि हमारा जल अन्न और सुभाषित। फिर से आप इसको ध्यान से सुनना और इसको लिखना कि पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं,
जल अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है या रत्न उनके द्वारा उनको पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। अब हम दूसरे श्लोक की ओर पढ़ेंगे। सत्येन सत्य के द्वारा, सत्येन यानी सत्य के द्वारा, यहाँ पर संस्कृत में पर के द्वारा का के की ये सब नहीं लिखा जाता, यहाँ पर उसके लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सत्य तो आपको पता है सत्येन सच, सत्येन यानी सत्य के द्वारा धार्यते धारण की जाती है, कौन पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही रवि जो होता है तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, रवि सूर्य, ये तो हिंदी में है इसलिए मैंने उसको बताया नहीं एकदम से, पर फिर भी रवि यानी सूर्य। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है और अपनी गर्मी और ऊर्जा प्रकाश सबको देता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वाति यानी प्रभावित होती है, वायुश्च वायु हवा पवन, और सत्य के द्वारा ही हवा जो होती है बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही निहित है। अभी ये लॉकडाउन चला तो मांग की गई कि रामायण दिखाओ महाभारत दिखाओ, और सब बच्चों ने देखा और बहुत कुछ देखा। तो ये रामायण और महाभारत क्या है, उसका उसका जो मोटो है, उसका जो उद्देश्य है, वो यही बताया गया है कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। तो इतना बड़ा ग्रंथ जो देखा, इतना बड़ा एपिसोड जो आपने देखा, उससे यही पता चलता है। तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि सत्य पर ही, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी सत्य आधारित है, सत्य के द्वारा ही रवि या सूरज तपता है, और सत्य के द्वारा ही वायु प्रवाहित होती है। और लास्ट आखिरी में बताया गया है सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में स्थापित है या सब कुछ सत्य में ही निहित है। सत्य के बिना हमारा जो जीवन है वो नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं सत्य की विजय होती है, और सत्य के बिना कभी भी व्यक्ति सफल नहीं होता है। अब थर्ड देखते हैं, दाने तपसी, दाने यानी दान में, दाने यानी दान में, तपस्वी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल या ताकत में, और विज्ञान साइंस, विज्ञान यानी विज्ञान में साइंस में, विनय विनम्रता में, और नए नए यानी नया, नए नए जो रूल्स आते हैं, नीति होती है, जो नीतियाँ लाई जाती हैं किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए, नए नए नियम लाए जाते हैं, यहाँ पर उसको नए कहा गया है। फिर से देखते हैं, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नए, दान में तपस्या में अपने बल में शक्ति में, और विज्ञान में विनम्रता में, और नीतियों में विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय का मतलब आश्चर्य, न ही नहीं कर्तव्यों इन्हें करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी जो वसुंधरा है, हमारी पृथ्वी है, वो बहुत से रत्ने रत्नों वाली है। सबसे पहले बताया तीन रत्न, पर वो क्या है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में इतने सारे गुण हैं कि यहाँ से विदेशी लोग लेकर जाते हैं। तो ये सारे गुण आपको बताया गया यहाँ पे कि दान में तपस्या में, हमारे ताकत में, बल में, विज्ञान में, विनय में, विनम्रता में, नीति कौशल में, जो मामलों को सुलझाने में, इन सब में हमको कभी भी आश्चर्य विस्मय यानी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अरे वाह, ऐसा इतना अच्छा कर लिया, हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्यों, क्योंकि हमारी वसुंधरा कैसी है, हमारी धरती कैसी है, बहुत से रत्न वाली है, और बहुत से रत्न वाली है इसलिए यहाँ पर बहुत से मतलब अच्छे अच्छे माइंडेड लोग यहाँ पर है, और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो इसका अच्छे से सुनिए कि दान में तपस्या में, आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है, दान में तपस्या में, बल में, ताकत में, विज्ञान और विनम्रता में, नीति कौशल में,
जितने भी हम आगे चले जाए इसमें हमको यह देखकर आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर इतने सारे गुण हैं कि बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारे रत्न हैं।